वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, अनलिमिटेड यूएस के नंबर अगर आपको चाहिए हैं। देखो आज की वीडियो के अंदर मैं चीजें क्या कवर कर रहा हूं, पहले एक बात ध्यान से सुन लो, जो वर्जन्स आपको मैं दे रहा हूं वही वर्जन्स आपने डाउनलोड करने हैं। वीडियो में भी दिखा दिया है मैंने, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कवर क्या कर रहा हूं, एक तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप यानी जीमेल अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं विदाउट फोन नंबर, राइट, वेरी इजीली, बहुत आसानी के साथ। फिर जो हम मैं वर्चुअल सिम जो मैं यूज करूंगा और बिटफाइंडर वीपीएन, वही वाला वर्जन आपने डाउनलोड करना है। अब अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूं डाउनलोड किस तरह करोगे। अनलिमिटेड यूएस का नंबर, देखो वर्चुअल सिम के अंदर सीन ही होता है कि आपको जो नंबर्स तो मिल जाते हैं आपको यूएस के नंबर के ऊपर, बट वो व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं होते। सो क्या कुछ किया है वीडियो में देखिएगा, सारी चीजें वीडियो के अंदर समझाई है। पहली बार तो आए के चैनल के ऊपर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का लाइक बहुत एनर्जी का काम करता है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको शेयर भी कर दिया करें अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप लोगों का लाइक और आपकी शेयरिंग जो है वो बहुत एनर्जी का काम करती है। अब ये समझ लो कि तुम इन एप्लीकेशन को डाउनलोड किस तरह करोगे और तुम्हारे पास वैलिड यूएस का नंबर किस तरीके से, यानी कि तुम एक यानी कि वर्चुअल सिम के ऊपर एक जीमेल के ऊपर एक तुमको नंबर मिलेगा और तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट बनेगा। सो ये वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने भाइयों को डेट चेक कराऊंगा किस डेट के अंदर वीडियो बना रहा हूं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए तुमने गूगल में लिखना है टॉप 15 बेस्ट वर्चुअल ऐप। ऑलराइट, जब लिखोगे सबसे टॉप के ऊपर ये पोस्ट आएगी टॉप 15 बेस्ट वर्चुअल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इस पे आप करोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद पेज को नीचे करना। सो ये देखो लिखा हुआ है वर्चुअल सिम, ठीक है, यहाँ से जाके यही वाला वर्जन यूज करोगे, राइट, जो मैं अभी वीडियो में यूज करने वाला हूँ। पेज को नीचे करना, बिटफाइंडर वीपीएन को तुमने यहीं से आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस स्टेप्स को समझिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्रोम ओपन करेंगे अपना जीमेल अकाउंट बनाने के लिए, अनलिमिटेड आप जीमेल अकाउंट बना सकते हो विदाउट फोन नंबर। प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, राइट, क्लिक करने के बाद पेज को आप करोगे नीचे, राइट, मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, फिर मैनेज डिवाइस के ऊपर ऑब्वियसली आप क्लिक करोगे, ऐड अकाउंट क्लिप पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ओके, अपनी जो भी आपको नाम देना है, जिससे भी आपको ईमेल बनानी है, राइट, वो आपने यहाँ पे बनाना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो अपना पासवर्ड आपने रखना है, ऑलराइट। उसके बाद आपसे कोई फोन वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा ये, राइट, एक 24 घंटे में 4 अकाउंट बना सकते हो इस पे, ठीक है, इस तरीके से। अग्री कर लेंगे, अग्री करने के बाद यानी वर्चुअल सिम के ऊपर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हो गया। बिटफाइंडर वीपीएन ओपन करोगे, ओपन करने के बाद तुमने यहाँ पर जो कंट्री सेलेक्ट करनी है स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझ लीजिए एक दफ़ा, बहुत छोटी वीडियो है। स्विट्जरलैंड के साथ कनेक्ट करने के बाद हम अपना खोलेंगे वर्चुअल सिम। जब आप इसको ओपन करोगे आपके पास इंटरफेस आएगा, सारी परमिशन देकर इसको अलाउ कर दोगे, आपका जीमेल अकाउंट यानी लॉगिन करने के लिए बोलेगा। सो जो आपने नई आईडी क्रिएट की होगी वही आपने सिंपल इसको मतलब इस पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, सेफ हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये नंबर हमें मिल गया। एज यू कैन सी स्विट्जरलैंड पे मैंने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर वैलिड मिलेंगे व्हाट्सअप के लिए, याद रखिएगा मेरी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। जल्दी से हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, फिर बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपने भाइयों को अच्छी चीज़ें समझा रहा हूं, समझ लो एक दफ़ा ताकि मेरे भाइयों को किसी भाई को कोई दिक्कत ना है। ओके करोगे तो वहाँ पर ये वाला टाइम चलेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे कॉल मी पे जब क्लिक करूंगा ना तो तुम्हारे पास एक टाइम चलेगा, उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। कॉल मी पे क्लिक किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अटेम्प्ट नहीं है। मैं वीडियो को एडिट करके शॉर्ट कर दूंगा, ये मैंने वीडियो को एडिट करके शॉर्ट कर दिया। आप जो जैसे ही टाइम खत्म होगा आपने कॉल मी पे दोबारा से क्लिक करना होगा। और राइट, जब आप क्लिक करोगे हम जाएंगे वापस, यहाँ पर कॉल आएगी, आपको ओटीपी रिसीव मतलब सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वर्चुअल सिम पे आवाज़ नहीं आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर। सो यहाँ पर मुझे आवाज़ आ रही है, सो जल्दी से मैं यहाँ पर ओटीपी अपने पास लिख लेता हूँ। दिमाग में लिखने के बाद हम जाएंगे अपने वापस व्हाट्सअप के अंदर और जल्दी से मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने भाई को बता दूँ, वेरिफिकेशन तो खैर कंप्लीट हो गई, यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं, जो नाम आप रखना चाहते हैं रखिए, वट एवर कुछ भी करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी कोई बंदा यूज़ कर रहा है, हमेशा बोलता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ ना कि टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर इनेबल किया करो। देखो कोई बंदा यूज़ कर रहा है, पहले मैं तुम्हें नंबर चेक कराता हूँ, नंबर देख लो ये नंबर है, ठीक है। मैं तुम्हें वर्चुअल सिम से भी ये नंबर चेक कराता हूँ कि जिस पर हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। हमेशा अपने भाइयों को बोलता हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को ज़रूर इनेबल किया करो। इनेबल करने के बाद हर 3 से 4 दिन बाद इसको चेंज करते रहो। चेंज करते रहोगे तो तुम यानी कि तुम्हारा नंबर कोई भी नहीं ले सकता, मैं बहुत यकीन से ये बात कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूँ। तो चेंज करते रहा करो, बस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, अच्छी लगे तो आई लव यू ऑल, मिलता हूँ बेहतरीन वीडियो के साथ, और थोड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।